अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। पहले जमाती और अब पिज्जा डिलीवरी बॉय। खबर दिल्ली के मालवीय नगर की है, जहां पिज्जा डिलीवरी करने वाले कर्मचारी में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हैरत की बात यह है कि 20 दिन से उसमें कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे थे, फिर भी उसने खुद को क्वारंटीन नहीं किया था। बड़ी बात और सोचने वाली बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव हालत में यह पिज्जा डिलीवरी बॉय कितने घरों में गया होगा। वहीं अब सरकार ने साउथ दिल्ली के मालवीय नगर और हौज खास इलाके के 72 परिवार को होम क्वारंटीन कर दिया है और वहां के कुछ इलाकों को भी सील कर दिया गया है। साथ ही पिज्जा डिलीवरी के 17 कर्मचारी को क्वारंटीन में रखा जाएगा। यह सभी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ काम कर रहे थे। कुछ अधिकारियों ने बताया, डिलीवरी बॉय पहले डायलिसिस के लिए एक अस्पताल गया था और माना यह जा रहा है कि इसी दौरान वह संक्रमित हुआ है। वहीं कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और अब खबर यह है कि सब इंस्पेक्टर के परिवार के 3 सदस्यों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इस खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने दिल्ली के मॉडल टाउन पुलिस कॉलोनी के 3 ब्लॉक को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि SI अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। जी, एक लड़का साउथ दिल्ली में पॉजिटिव पाया गया है। उसने जिन लोगों को डिलीवरी की थी, 72 ऐसे होम क्वारंटाइन किया गया है, साथ में 17 उसके साथियों को भी क्वारंटाइन किया गया है। गवर्नमेंट क्वारंटाइन के अंदर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है। उन 17 लोगों को हमने अपने क्वारंटाइन सेंटर पे रखा है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।